नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपावली में। दोस्तों, अब सरकार भरेगी आपका बिजली बिल। जी दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सभी बिजली उपभोक्ताओं को लाभ देने के लिए नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है बिजली बिल सब्सिडी योजना। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत बिजली बिल पर सरकार सब्सिडी देगी। जैसे कि मोदी सरकार द्वारा गैस सब्सिडी योजना चलाई जा रही है, अब वैसे ही बिजली बिल सब्सिडी योजना की शुरुआत होगी। सरकार ने योजना की तैयारी के लिए सभी अधिकारियों को आदेश दे दिया है। फिलहाल यह योजना पायलट प्रोजेक्ट की तरह प्रदेश में इसे 3 जिलों में शुरू कर दी है। चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। मध्य प्रदेश सरकार तकनीकी समस्या को आकलन करने के लिए इस योजना को लॉन्च कर रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य है कि सभी पात्र लोगों को इसका लाभ मिले। अभी तक मध्य प्रदेश में चलने वाली बिजली बिल माफी योजना के तहत सरकार सीधे बिल माफ कर रही थी। साथ ही जो लोग इस योजना के पात्र नहीं थे, वे भी गलत बिल दिखाकर इस योजना का लाभ उठा रहे थे। सरकार इन सभी समस्याओं को समाधान के लिए इस योजना को लॉन्च किया है। दोस्तों, जैसे कि आप सब भी जानते होंगे कि किसी भी सब्सिडी योजना में पहले आपको उस चीज का पूरा भुगतान करना होता है, फिर सरकार आपको जितनी सब्सिडी देना चाहती है वो इतना हिस्सा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। मध्य प्रदेश में अभी घरेलू गैस सिलेंडर, कृषि यंत्र अनुवाद योजना एवं मुख्यमंत्री कृषि पंप कनेक्शन योजना चल रही है, जिसका भुगतान सरकार ऐसे ही करती है। इसी तरह से बिजली बिल में भी आप सब्सिडी सरकार आम जनता को देगी। इसके लिए पहले उपभोक्ताओं को पूरे बिजली बिल का भुगतान स्वयं करना होगा, फिर जांच पड़ताल के बाद सरकार उस लाभधारी के खाते में अनुदान राशि डाल देगी। इस योजना की जानकारी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने दी है। यह योजना को सरकार ने अभी 3 जिलों में ही लागू किया है, जिसका नाम है विदिशा, झाबुआ एवं स्वीनी। सरकार अभी सभी के जरूरी दस्तावेज इकट्ठे करने में लगी है। सभी को अपना आधार कार्ड, बैंक जानकारी एवं मोबाइल या लैंडलाइन नंबर विद्युत विभाग में देना होगा। इन जानकारी के आधार पर आपको योजना का लाभ मिलेगा। सरकार आपके अकाउंट में सब्सिडी की राशि देगी, इसलिए ज़रूरी है कि आप सभी चीज़ की सही जानकारी दें। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अपना पूरा बिजली बिल देना होगा, फिर सरकार उसे अनुदान राशि बैंक खाते में डालेगी। जैसे अगर किसी उपभोक्ता के घर पर बिजली खपत 100 यूनिट है, अभी के बिजली दर के अनुसार इसका बिल 634 रुपए के आसपास आता है। दोस्तों, पहले कमलनाथ सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत की थी, जिसमें ऐसा था कि 100 यूनिट के खपत पर 100 रुपए बिजली बिल आता था। अब शिवराज सरकार ने कार्यकाल में योजना को बदलाव कर सब्सिडी के रूप में लाभ, तो अब अगर जैसे आपके 100 यूनिट आई तो आपको पूरा 634 रुपए का बिजली बिल भुगतान करना होगा। फिर इसके बाद सरकार की योजना के तहत 534 रुपए की आपको सब्सिडी मिल जाएगी और वह सब्सिडी डायरेक्ट आपके खाते में आ जाएगी। इसी तरह अगर आपकी यूनिट 150 रही तो दोस्तों आपको इसका भुगतान 918 रुपए करना होगा, जिसके बाद आपके खाते में 534 रुपए सब्सिडी के रूप में वापस आ जाएंगे। इस बिजली बिल सब्सिडी योजना का लाभ मध्य प्रदेश के हर बिजली उपभोक्ता को मिलेगा। अगर योजना लागू होती है तो प्रदेश में हर किसी को बिजली बिल की सब्सिडी मिलेगी। बिजली बिल सब्सिडी योजना के तहत संबल योजना और इंदिरा गृह ज्योति योजना के लाभधारी को भी लाभ मिलेगा। इसका मतलब ये है कि सभी हितग्राही को अब अपना बिजली बिल का पूरा भुगतान करना होगा, फिर डिबिट के द्वारा सरकार सब्सिडी राशि बैंक में डाल देगी। पर दोस्तों, अभी सरकार ने इस योजना को सिर्फ 3 जिलों में लागू किया है। इसका कोई आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सरकार ने नहीं दी है। वैसे सरकारी अधिकारियों के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन नहीं करना होगा। सभी बिजली उपभोक्ताओं को सरकार सूची बनाकर देने वाली है। अगर यह योजना पूरे राज्य में शुरू कर दी जाती है
तो इसके लिए सरकार को काफी सारे रूल्स बनाने होंगे, क्योंकि अभी तक कुछ लोग ऐसे थे जो फ्री में बिल माफी योजना का लाभ उठा रहे थे, बिजली को जबरदस्ती खर्च करते थे। ऐसे सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को लागू किया है, और अगर वह सब राज्य में चालू करती है तो उन्हें काफी सारे नियम कानून बनाने पड़ेंगे, तभी सब लोग इस योजना का अच्छे से लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद।